अच्छा एक गाँव है कि अरे कांगना में फूले फूल के नवाए ननदो बाजले बभैया दुवरा पे। यही तर्जिया के हैदर गुरुजी बदल के गाँव है सेम सेम कहे ननद भौजैया दुनो एक समौरिया अरे ननदी भौजिया दुनो एक समौरिया दुनो हुक पिया परा देसिया होरा ननदी भौजिया दुनो एक समौरिया था। संविधान में बाबा साहब ने लिखे कि 100 में 85 हमारा हक है और हमें हमारा 85% आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं मिला। क्या मिला? नहीं मिला और आज तक नहीं मिला। कारण क्या है? क्यों नहीं मिला? अब विरोध शुरू हुई तो बताई भैया आपसे निवेदन बा कि बिरहा सुन के तब जइहा नहीं कि हर से लोग गीत हो जाए बाहर से लोग गीत हो जाए आप लोग उठ के चल जा तो हक जोड़ी बा आप बिरहा सुन करके जाएंगे। क्योंकि मैं आशा कर रहा हूं ये मेरा पूरा विश्वास है कि मुझे आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? कैसे मिलेगा? इसकी युक्ति आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारा बिरहा होता है रोज बिरहा होता है लेकिन आज का जो कार्यक्रम है ये रामायण महाभारत से हट के होगा कहानी कांड से हट के होगा क्योंकि हमें से महापुरुष की जयंती में आज उपलक्ष्य है बाबूजी जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने प्राणों की आहुति दे करके हमें और आपको हक अधिकार दिया है। नारा था बाबा जी का जीता अपन सगरो जीता अपन सगरो मरियाले बहुजन अरे जीता अपन सगरो मरियाले बहुजन मानी के कहानावा बाबा साहब के जीता अपन सगरो मरियाले बहुजन बाबा साहब का पहला उद्देश्य था पहला उपदेश ही था क्या शिक्षित बनो। उनका पहला उपदेश था कि शिक्षित बनो। क्यों कहा? शिक्षा का महत्व बाबा साहब जानते थे कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो पी लेता है तो गरजता है बाबू। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले निर्देश दिया कि आप शिक्षित बनिए। हुआ क्या? बाबा साहब कहीं के गईले शिक्षा बा जरूरी बाबा साहब कहीं के गईले पहली है शिक्षा दूसरा है संगठन। जब संगठित रहोगे तब क्या होगा? संगठन के आगे टूटे सबके मगर संगठन के आगे टूटे आप संगठित रहेंगे तो बड़ी बड़ी हस्तियां छुट जाएंगी बाबू जी क्योंकि संगठन में बड़ी पावर होती है। 10 जने के ना खड़ा हो जा मुड़े उड़े पगड़ी बांध ला अलावा आवाज में फरियाई जाई
अगला विचार करे कि लगातार सारे कौन योजना बनाए बाटे हैं। तो संगठन में बड़ी पावर है बाबूजी। संगठन के आगे झुके बड़ी मांग काम छोड़ दो बाबू, अपनों से आप तकरार मत करिए, अपनों को प्यार दीजिए, लेकिन यह ना होता हो। हमारी समाज में जो पढ़ लिया, जिसे सरकारी नौकरी मिल गई, जब उसके सरकारी सर्विस मिली तो का करे जनत हो, उस सबसे पहले बगले वाले परेशान करे शुरू करे, काहे बदे तो करे पैसा हो गए, और जब पैसा भय तो वो अपनन के खाए लगा। बाबा साहब यही कहे कि मत करिए ऐसा। अरे तया पशु में कराना झगड़िया ये बहुत मानी के बाबा साहब ने वोट की कीमत बताई थी कि हमारे एक वोट की कीमत कितनी है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है बाबू। एक वोट हमारा 1,00,000 का 1 करोड़ का हो सकता है, लेकिन हम अपने वोट की कीमत नहीं समझते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने वोट की कीमत नहीं समझते हैं। अभी यहाँ 14 अप्रैल बा, इतना धूमधाम से आप लोग खूब नाच के गा के डीजे बजा के बाबा साहब की प्रतिमा पर सभी लोग पुष्प अर्पित किए हैं बाबूजी। लेकिन जब इलेक्शन आ गए, वोटिंग टाइम जब आ गए, तो हमारे समाज करत का भैया ये बस एक पैकेट शराब पे 1 किलो मुर्गा 500 रुपया पे बिका भाई। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है। मत करिए ऐसा, क्योंकि आपके एक एक वोट की कीमत बहुत बड़ी है बाबूजी। और आज हमारा वोट बिखरा हुआ है, चोट सब लोग खा रहे हो। अगर हमारा वोट इसी तरह से बिखरा रहा तो हम चोट खाते रहेंगे। इसलिए आप अगर जयंती बना रहे हो तो अपने वोट को कभी बेचिए मत बाबू। वोट बच लोगे तो जिंदगी भर ठोकर खाओगे। इसीलिए बाबा साहब ने वोट की कीमत बताई कैसे। पुरस्कार और आप सबके लिए एक सूचना भी है। परम सम्मानित आप श्रीमान नन्हे गौतम थलोई के पावन धरती से 100 रुपए देने के सम्मान किए हैं, और 20/4/23 को बिरहा का आयोजन ही है थलोई में। कलाकार है पंडित परशुराम यादव बलिया और सरोज सरगम मिर्जापुर। नौ घमासान मुकाबला होगा, तो थलोई की धरती पर आप लोग 20 तारीख को पहुंचकर इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। राजा यापन पैदा हुई है रानी के पेट से, खड़ा हो जा खड़ा हो जा,
देखिए दूसरी बार फिर सम्मानित किया गया आदरणीय प्रधान साहब जो परिचय के मोहताज नहीं है और हम कलाकारों को बड़ा प्यार दिया करते हैं, बड़ा सम्मान दिया करते हैं आप। हमारे अनुज हैं भैया रियासत प्रधान साहब मतरी मथुरा के बावन धरती से, फिर द्वारा 500 रुपए का सम्मान, सलाम कबूल हो। प्रधान साहब निवेदन है, क्योंकि हमारा समाज आखिर परेशान क्यों है, कारण जहां तक मेरा अपना दिमाग कहता है कि जो संभ्रांत व्यक्ति है वो अपने समाज के छोटे लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। मेरे पास पैसा है, कोई आदमी बगल से जा रहा है, गरीब है, तो हम उसको भेद दृष्टि से देखते हैं। यही काम छोड़ दिया जाए तो हमारा समाज निश्चित रूप से सुधरेगा और संगठित होगा। अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं होगा बाबू तो संगठित नहीं हो पाएंगे। इसलिए निवेदन करता हूं कि जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, आप उनको हथेली पर उठाने का काम करें। ये भैया हो गरीब मन पर सम्मान कर देवा ना तो ओकर छाती फूल के हाथी के बराबर हो जाए। कई आज हमारे प्रधान भैया हमसे प्रणाम कहे, वो कहेगा तो बड़े अच्छे प्रधान हैं भैया आज हमसे जैरमी करन। तो आप लोग अपने समाज को सम्मान दीजिए बाबूजी, और सम्मान न देने का ही कारण है कि हम आपस में टूटे हुए हैं। दोबारा फिर से 500 रुपए का सम्मान, प्रधान जी को बहुत बहुत सलाम कबूल हो। एक सौ में आप सबको प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना रहेगी। तीसरे भाव में कहना है तलवार उठा के आप लोग मारपीट कर रहे नहीं, हमें संघर्ष करना है एकता के साथ। वही एकता रूपी संघर्ष, एकता रूपी तलवार बाबू जी। अब समय बहुत कम बा, आगे 2024 आवे वाला बा, और आजादी से लेकर के आज तक इतनी बढ़िया गवर्नमेंट कभी आई नहीं थी। जितनी बढ़िया गवर्नमेंट इस बार आई है, आजादी से लेकर के आज तक इतनी अच्छी गवर्नमेंट कभी नहीं आई थी। अब वही कुल बताऊं, अब तो खाली ऐसे फार्मूला छोड़ते ही। आगे आप सब कितना बढ़िया आंख खोल दे, शायद है कि हमारी बात आप सबके पसंद आ जाए। मेरा चैलेंज है फेस किसी को नहीं लगेगी, किसी भी वर्ग का आदमी बैठा होगा यहाँ, चाहे वह बैकवर्ड हो, चाहे एससी, चाहे फॉरवर्ड, कोई बैठा होगा, फेस किसी को नहीं लगेगी, लेकिन प्रकाश मैं सब पर डालूंगा। कौन मेरे साथ क्या किया है, अगली लाइन में कहे के बाद और एक बीमारी बाप ने समाज में
लेकर बधाई गोबर गौरी के पूजा, जब लेकर बधाई गोबर गौरी के पूजा। ये हमार समाज बड़ा पुजारी बा, भोले बाबा का दर्शन करे पहले ही जाते हैं। कांवर लेके देखबा तो सबसे ज्यादा एससी डीसी वाले नजर आई है, कांवर ढोल में तुम्हें आगे बाई। और गौरी गणेश के पूजा बहुत तगड़े करे लाई, यही बते बाबा साहब पहलन। जब लेकर बधाई गोबर गौरी के पूजा, सुनवत का हो तू जब लेकर बा भाई इही गोबर गौरी के पूजा, तब पारे खाई हाँ से तू तो खाबा खाबा पूजा, पारे खाई हाँ से तो हमका बता दे है। आज सत्यनारायण की कथा सुनत बाटा, नीरा जली रहे अन्न जल मत करिएगा। सोचा जे पूजा सुने जाता ओका दिन भर उपवास रखनी है, और महाराज अपना खूब बढ़िया नहा धो के खाना उना खाए के तब आई है, तो के बैठ के पूजा सुनई है, खाल खरोट कुल चढ़वा नहीं है, लेके जाए ओका पाड़े लेके चला जाइए कुल तो है काम मिले ला तू। पूजा का मतलब ये चैतुराम सुमन बताओ कह ला पू और जा, यही के नाम बा पूजा, तो का मिले पू और ले जाइए कुल पाड़े। तो भाई अरे धोखा में बितावा जिन मारी आए बहुजन, अरे धोखा में बितावा जिन मारी मानी के बाबा साहब के। कहा नावा